फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस या फिर कांगनेजन तो जैसे कि कुछ व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट करके ये इस वीडियो के लिए बोला था तो मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक परसीव रिमेंबर एंड लर्न तो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या है एक साइकोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है या फिर कह लीजिए कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें ये देखा जाता है कि कोई पीपल या कोई पर्सन या कोई एक इंसान कैसे सोचता है कैसे उस चीज़ को परसीव करता है कैसे चीज़ों को याद रखता है या फिर कैसे वो सीखता है एज अ पार्ट ऑफ द लार्जर फील्ड ऑफ द कॉग्निटिव साइंस दिस ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द अदर डिसिप्लिन इंक्लूडिंग न्यूरोसाइंस फिलोसफी एंड लैगनीटूस्टिक तो इसमें क्या है कि जैसे कि कॉग्निटिव क्या है इसको एक साइंस की तरह भी लिया गया है जैसे कि इसे न्यूरोसाइंस से भी जोड़ा गया है इसे फिलोसफी से भी जोड़ा गया है एंड इसको लिंग्विस्टिक स्टाइल से भी इसको जोड़ा गया है तो इसमें एज अ पार्ट ऑफ साइंस को भी कॉग्निटिव प्रोसेस को लिया गया है कॉग्निटिव कम्स फ्रॉम द लेटिन कॉग्निटो मीनिंग टू एप्रिहेंट और अंडरस्टैंड तो कॉग्निटिव कहाँ से ये वर्ड कहाँ से आया ये लेटिन वर्ड से कॉग्निटो से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है समझना अंडरस्टैंड या फिर एप्रिहेंट उसके बाद आता है कॉग्निशन अ जर्नरल टर्म इंक्लूडिंग आल मेंटल प्रोसेस बाई विच पीपल बिकम अवेयर ऑफ ऑल द अंडरस्टैंड द वल्ड तो कम्यूनिजन का क्या मतलब होता है कि ऐसा मेंटल प्रोसेस जिसमें पीपल क्या है इस पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड द वर्ल्ड पीपल बिकेम अवेयर ऑफ एंड अंडरस्टैंड द वल्ड जो पीपल हैं वो जो लोग हैं वो क्या है अवेयर होते हैं जानने के इच्छुक होते हैं हर चीज़ को जानना चाहते हैं समझना चाहते हैं देन उसके बाद आ जाता है कॉन्गुनीजन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेंसरी इनपुट इज़ ट्रांसफॉर्मेड रिड्यूस्ड एलेबोरेटिड स्टोर्ड रिकवर्ड एंड यूज्ड। तो कॉन्गुनीजन में क्या है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेंसरी इनपुट होता है यानी कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है कुछ रिड्यूस यानी कि कम भी हो जाता है और इलेबोरेट भी हो जाता है स्टोर भी हो जाता है या फिर रिकवर भी हो जाता है यानी कि अगर आप कुछ भूल गए हैं तो उसको फिर से आप रिकवर कर सकते हैं एंड उस चीज़ों को यूज़ भी किया जाता है इन साइन कोंगनीजन इज़ द मेंटल प्रोसेसिंग दैट इंक्लूड द अटेंशन ऑफ वर्किंग मेमोरी तो साइंस में कॉन्गनीजन को क्या बोला गया कि एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसके अंदर अटेंशन ऑफ वर्किंग मेमोरी रहता है ठीक है यानी कि काम कैसे करना है या किसी चीज़ को सीखना कैसे है यानी कि जो माइंड है वो अलर्ट रहता है कॉम्प्रिहेंडिंग एंड प्रोड्यूसिंग लैंग्वेज कैलकुलेटिंग रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग तो ये सारी चीज़ें क्या है ये तभी हो सकता है जब माइंड क्या है एक्टिव रहेगा यानी कि माइंड अटेंशन देगा उस चीज़ के लिए जो भी वो सीख रहा है या फिर जो भी वो सीखना चाहता है कांगनेटिव साइकोलॉजी आर्ग्यू आर्ग्यू दैट द इंडिविजुअल डू नॉट स्पेसिवली रिस्पोंड टू द स्टिमुली बट एक्चुअली प्रोसेस इन्फॉर्मेशन इन देयर ब्रेन बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू द इंफॉर्मेशन तो काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट हैं वो uh, इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करते रहते हैं कि जो कांगनेटिव uh, है ये क्या है एक इंडिविजुअल uh, नहीं है बट ये क्या है इंफॉर्मेशन इन द ब्रेन ये एक तरह की इन्फॉर्मेशन है उनके ब्रेन में जो कि स्टोर रहती है या फिर कह लीजिए कि इंफॉर्मेशंस होती हैं जो वो स्टोर करके रखते हैं दे आर इंटरेस्टेड इन वट हैपन इन द माइंड बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स यानी कि वो क्या है इंटरेस्टेड रहते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है यानी कि उनके स्टिमुलस एंड उस उनके रिस्पॉन्स के बीच में क्या चल रहा है दे लुक एट द टॉपिक सच एज परसेप्शन मेमरी थाट लैंग्वेज एंड अटेंशन और वो किसी टॉपिक को लेकर के या फिर किसी ऐसी चीज़ को जो वो सीख रहे हैं या फिर वो कर रहे हैं उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं जैसे कि परसेप्शन मेमरी थाट लैंग्वेज या फिर अटेंशन देना नेक्स्ट पॉइंट में आ जाता है दे ट्राई टू एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म ऑफ दिस मेंटल प्रोसेस और वो इस बिहेवियर को या फिर जो भी वो इस इस दौरान वो जैसे वो बिहेव कर रहे हैं तो इसे वो क्या एक मेंटल प्रोसेस बोलते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ यूज इन मैनी डिफरेंट वेज़ यानी कि कॉग्निटिव जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी तरीके से यूज़ की जाती है सर्च एज अ सजेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव आवर मेमोरी जैसे कि मेमोरी को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन सिचुएशन दैट रिक्वायर कंसंट्रेशन एंड कोई सिचुएशन आ जाती है ठीक है कोई ऐसी सिचुएशन है उसमें कैसे परफॉर्म करना है यानी कि उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है यानी कि खुशी वाली सिचुएशन हो तो कैसे बिहेव करना है या फिर सैड सिचुएशन हो तो कैसे बिहेव करना है या फिर उसको कैसे मैनेज करना है सच सच एज एयर ट्रैफिक कंट्रोल्ड एंड सोन जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल एयर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके बाद आ जाता है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस कम्यूनिटी प्रोसेस के कुछ स्टेजेस हैं तो फर्स्ट आ जाते हैं इसमें सेंसेशन इट रेफर टू अवर अवेयरनेस अबाउट द वेरियस स्टिमुली विच वी इनकाउंटर इन द डिफरेंट मोडेलिटीज सच एज विजन हियरिंग टच स्मेल एंड टेस्ट तो uh, इसे सेंसेशन क्या बोला गया है कि ये एक अवेयरनेस uh, होती है यानी कि एक ऐसी स्टिमुली uh, है जैसे कि uh, देखना सुनना टच करना स्मेल टेस्ट तो बेसिकली हम इसमें क्या चीज़ देखेंगे कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टिमूल में आ जाती हैं देन उसके बाद आ जाता है वेरियस फ़िजिकल एनर्जीज़ इन द इन्वायरमेंट एक्ट ऑन सेंस सेंस ऑर्गन्स यानी कि कई सारी फ़िज़िकल एनर्जीज़ जो है इन्वायरमेंट में होती हैं जो कि हम फील करते हैं द रिसेप्टर इन दैम आर स्टिमुलेटेड फ्रॉम विच नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड इन द ब्रेन जो कि उन चीज़ों को फील करके जो हमारी नर्व इम्पल्स होती हैं वो क्या है ब्रेन को बताती है या फिर ब्रेन को उन चीज़ों के बारे में सिग्नल देती है परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इवेंट आर प्रोड्यूस्ड वेन दीज नर्वस इम्पल्स आर प्रोड्यूस यानी कि जो प्रसप्शन है वो ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर ऐसे इवेंट्स प्रोड्यूस करती है तो जब वो क्या है वो नर्व्स और जो जो कि सिग्नल भेजे गए हैं वो प्रोसीड होते हैं उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें अटेंशन मे कंपीटिंग स्टिमुली बट ओनली लिमिटेड कैपेसिटी जैसे कि काफ़ी सारी जो स्टिमुली होती हैं उनमें क्या है लिमिटेड कैपेसिटी होती है देअर फोर नीड टू फोकस एंड सेलेक्ट यानी कि उसको क्या है और फोकस करने की ज़रूरत है और उनमें से सेलेक्ट करने की ज़रूरत है जैसे कि विजुअल अटेंशन बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड कलर ठीक है तो विजुअल यानी कि कुछ देखने वाला टेंशन उन्होंने दिया है तो उन्होंने एक पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर कलर पर फोकस करने के लिए बोला है देन ऑडिटरी अटेंशन बेस्ड ऑन द पिच टिम्बर इंटेंसिटी तो इन्होंने इस चीज़ को एक पिच पर या फिर चिम्बर पर या फिर इंटेंसिटी पर फोकस करने की कोशिश की है कलर कैन बी अ पावरफुल टूल टू इम्प्रूव योर इंटरफेरेंसिस यानी कि अगर मान लीजिए वो किसी विजुअल uh, अटेंशन देना चाह रहा है यानी कि कलर पर अटेंशन देना चाह रहा है तो ये क्या है एक पावरफुल uh, उसके लिए टूल बन सकता है बट इट इन अप्रोप्रिएट यूज़ कैन सेवरली रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम वी वी बिल्ट यानी कि यह क्या इन अप्रोप्रिएट वे है, है. यानी कि जो चीज़ uh, हर चीज़ में ही क्या है लागू नहीं की जा सकती तो ये क्या है इन अप्रोप्रिएट है देन only one thing can be uh, focused of attention यानी कि सिर्फ कोई एक particular चीज ही focus की जा सकती है then attention focus on voluntary or involuntary यानी कि ये क्या है focus करेगा voluntary और involuntary दोनों पर factor affecting attention focus यानी कि meaningfulness structure of display use of color intensity and use of मोडेलिटीज तो ये सारे क्या हैं फैक्टर इफेक्ट करेंगे अटेंशन अटेंशनल फोकस को देन उसके बाद आ जाता है हमारा एज मशन ईयरली ड्यूरिंग द अटेंशन वी सेलेक्टिवली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस अमंग मैनी स्टिमुलस तो यानी ये कहने का मतलब यही है कि हम इतने सारे जो हमारे सामने स्पेशल uh, चीज़ें आती हैं या फिर स्टिमुली इन्होंने बोला है उस चीज़ को तो हम उनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चुनते हैं यानी कि सभी स्टिमुलस पे हम ध्यान नहीं देते हैं फॉर इंस्टेंस विल लिसनिंग टू अ लेक्चर इन अ क्लास रूम वी अटेंड टू द वर्ड प्रोनाउंस बाय द टीचर तो हम क्या है जैसे मान लीजिए कि क्लास में एक लेक्चर चल रहा है टीचर लेक्चर दे रहे हैं तो उसमें आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सुन रहे हैं फील कर रहे हैं लेकिन आपके उन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ जो टीचर वर्ड्स बोल रही है आप उन पर ध्यान दे रहे हैं यानी कि एक आपने पर्टिकुलर स्टिमुली को चुन लिया है ट्राई टू इग्नोर ऑल द अदर सिमिलर तो यही यही सब बोला गया है कि बाकी सब चीज़ों को आपने इग्नोर कर दिया है उसके बाद थर्ड आ जाता है हमारा परसेप्शन इन द केस ऑफ परसेप्शन वी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड मेक आउट द मीनिंग ऑफ द स्टिमुली अवेलेबल टू अस यानी कि उस परसेप्शन को परसेप्शन में क्या होता है कि जो भी प्रोसेस या इन्फॉर्मेशन है उसका हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल वी लुक एट अ पेन एंड रिकोगनाइज इट एज एन ऑब्जेक्टिव यूज फॉर राइटिंग जैसे कि एक पेन है उसे हम एक ऑब्जेक्ट मानते हैं लेकिन उसका पर्पज़ क्या है उसका वर्क क्या है मीनिंग क्या है उसका उससे हम राइटिंग करते हैं यानी कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं वट वन परसीव्स डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रटेशन ऑफ स्टिमुली एंड इंडिविजुअल सेलेक्टिवली अटेंड टू सर्टन स्टिमुली एंड नॉट टू अदर तो वट वन वन परसिवस डिपेंड ऑन यानी कि इस पर क्या करता है सिलेक्शन पर डिपेंड करता है ऑर्गनाइजेशन पर डिपेंड करता है और इंपर्टेशन ऑफ स्टिमुल यानी कि, कि किसी चीज़ को आपने सेलेक्ट किया उसका ऑर्गेनाइज किया या फिर यूज़ किया और उसको कैसे यूज़ किया ठीक है उसके बाद ये फैक्टर आ जाते हैं क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं परसेप्शन को फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन फंक्शन ऑफ ब्रेन या फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल स्टेट इंटरेस्ट मोटिवेशन एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म तो ये क्या है सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं उसके बाद ये डिफरेंसेस आ जाते हैं दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट उसके बाद हम नेक्स्ट इसका पॉइंट कर लेते हैं लर्निंग इट हेल्प अस एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल थ्रो एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस यानी कि ये हमें कुछ नया बताने या फिर सिखाने में हेल्प करता है यानी कि नए स्किल को या फिर कुछ नया एक्सपीरियंस हमें बताता है द एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल फर्दर ब्रिंग अ रिलेटिव चेंज इन आवर बिहेवियर एंड फैसिलिटेट आवर एडजस्टमेंट इन द दर्ड सेटिंग यानी कि ये क्या करेगा जो हमारे पास नॉलेज है जो हमारे पास स्किल है उसमें और थोड़े से चेंज करेगा यानी कि उसको और बेटर बनाने में हेल्प करता है फॉर एग्जांपल वी लर्न लैंग्वेज राइडिंग बाई साइकिल एंड अप्लाइंग मैथमेटिक स्किल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम जैसे कि क्या है इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि एक मान लीजिए एक बच्चा है वो क्या साइकिल चला रहा है यानी कि उसको साइकिल चलाना आता है लेकिन वो क्या है अपने मैथमेटिक्स यूज़ uh, करता है कि वो कैसे स्टंट uh, कर सकता है या फिर अपने साइकिल को फास्ट कैसे चला सकता है तो वो सारी चीज़ें क्या है वो सीख रहा है उसके बाद आता है मेमरी द इन्फॉर्मेशन वी प्रोसेस एंड लर्न इन द रजिस्टर्ड एंड स्टोर इन द मेमरी सिस्टम तो इंफॉर्मेशन को क्या है रजिस्टर हो रही है और स्टोर हो रही है हमारे मेमरी सिस्टम के अंदर मेमरी ऑल्सो हेल्प अस टू इजिली रिट्रीव द स्टोर इंफॉर्मेशन वैन इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूज़ तो मेमरी क्या करती है कि जब भी हमें उस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो वो हमें आ, हमें जल्दी से रिट्रीव होने में हेल्प करती है फॉर एग्ज़ाम्पल राइटिंग द आंसर इन द एग्ज़ामिनेशन आफ्टर स्टडी फॉर द पेपर जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम पर हमें कितना सारा मटीरियल हमारे मेमरी में स्टोर हो जाता है और वो उसी टाइम पर रिट्रीव होता है जब हमारा जब हम आंसर शीट पर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो मेमोरी क्या है थ्री कंपोनेंट्स uh, होते हैं मेमोरी का सेंसरी मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी तो ये मैं आपको टॉपिक करवा चुकी हूँ मेमोरी का उसमें आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं तो आज का टॉपिक इतना ही आई होप आपको कुछ हेल्प हो गई होगी एग्जाम से रिलेटेड इस टॉपिक में तो ऑल द बेस्ट गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग